नमस्कार, असेंबली में आपका स्वागत है। हमारे साथ संदीप बाल्मी जी की हैं जो अब बसपा के पदाधिकारियों में से हैं और राहुल भारती जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों को हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। राहुल भारती जी, अभी जो रविदास जी की मंदिर तोड़ने पर विवादित बयान चल रहे हैं और पूरे देश के अंदर पंजाब में बंद चल रहा है, 12-13 का आज का बंद चल रहा है, अभी आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, साफ साफ है बिल्कुल कि अगर ये लोग गुरु रविदास जी को की आस्था में विश्वास नहीं रख सकते, गुरु रविदास जी में विश्वास नहीं रख सकते, तो निश्चित रूप से 30 करोड़ लोग जो गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं वो भी इनके भगवानों में अपनी आस्था नहीं रखने वाले हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में अगर ये गुरु रविदास के स्थान को नहीं बचाने हमारे साथ खड़ा हो सकते बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से 30 करोड़ लोग अपने मंदिरों से उन्हें बाहर निकालने का काम करेंगे। इन्होंने कहा 30 करोड़ लोग अपने मंदिरों से बाहर निकालने का काम करेंगे, लेकिन मंदिरों की बात करें तो करोड़ों की तादाद में मंदिर हैं, उसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो किस तरीके से मंदिरों से बाहर निकालेंगे देवी देवताओं को? देखिए, राहुल भाई ने सही कहा, 30 करोड़ के करीब लोग हैं रविदास के समाज के, लेकिन रविदास जी महाराज सिर्फ रविदासियों के गुरु नहीं हैं, वो जगत गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं। वाल्मीकि समाज के लोग भी उनको उतना ही मानते हैं, धानक समाज के भी लोग मानते हैं, जितने बहुजन समाज के लोग हैं। जैसे आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हो ना, बाबा साहब अंबेडकर इन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चले, तो ये पूरे देश के लिए एक आस्था का केंद्र है। और आस्था के केंद्र पर जब प्रहार होता है, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं, जैसे इनका राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, इन्होंने खूब लाशें बहाई उनके लिए, बहुत कुछ किया, मतलब इनका भगवान भगवान, हमारा भगवान कुछ नहीं। तो अगर जैसे 21 तारीख को भारत बंद और जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, अगर ये बात नहीं मानते तो बहुत लोग तो सभ्य भाषा में कहते हैं, मैं सभ्य भाषा में कहता हूँ, इनके गणेश पणेश राम रूम कृष्ण वर्षन सबको जमुना में फेंक के आएंगे और किसी की औकात नहीं है, उसको बचा लेंगे, इस देश से ब्राह्मणवाद का और मनुवाद का सुपड़ा साफ कर देंगे, हमें मजबूर मत करो हथियार उठाने पर। ये लोग चाहते हैं किस देश में खून खराबा हो, ये लोग चाहते हैं कि इस बहुजन समाज के लोग सड़कों पे लाठी और डंडे के साथ उतरे। अरे, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, आप लोग मत हमें उकसाओ, हम लोग चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह के सारा काम करें, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे लोग हो, है ना, आपकी समझ में नहीं आता। जब तक बहुजन समाज का आदमी रोड पर नहीं आता, आपकी गाँव तरह जू नहीं रेंगती है, तो आपको समझना पड़ेगा बहुजन समाज के जितने भी लोग देश में हैं कि ये सिर्फ रविदास या समाज का मसला नहीं है। ये टेस्ट करके देख रहे हैं आप लोगों को, ये लगा रहे थर्मामीटर लगा रहे कि किस समाज में कितना करंट है, ये एक साथ है नहीं है। आज मैं बताता हूँ, हम लोग प्रतीक हैं, मैं चूड़ा हूँ, वाल्मीकि समाज से आता हूँ, भाई जाटा समाज से हैं, चमार है, बहुत सारे जो बहुजन समाज की उपजातियों में बांटा है हमें इस मनुवाद ने, आज हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे गुरु वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं है, हमारे रविदास जी महाराज भी हैं और भी जितने संत महापुरुष हैं बहुजन समाज में जो जन्मे हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, वो सारे हमारे आइडियल हैं। और हम बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खाते हैं, मान्यवर साहब कसम, काशीराम जी कसम खाते हैं, 21 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इन मनुवादियों के, जैसे 2 अप्रैल में छक्के छूट गए थे ना, ये तो छक्के छूटने शुरू हो गए इनके। अभी मेरी राहुल भाई से बात चल रही थी, इनके पास खूब बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि यार तुम लोग सारे के सारे इस आंदोलन में इकट्ठे उतर गए। और एक और बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को, समाज के लोगों, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग किसी किसी पार्टी के एजेंट हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। एक छोटे से शेर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि समझ हर फरेब को और धोखा खाए जा, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, 21 तारीख के बाद पता चल जाएगा जिनकी मौजूदगी में मंदिर तोड़ा गया उन लोगों ने क्या किया, उनसे सवाल भी पूछा जाएगा। तो सारे इकट्ठे हो जाओ, 19 तारीख को दिल्ली बंद कर देनी है, जाम करनी है। वाल्मीकि समाज से अपील करता हूँ, रविदास समाज से अपील करता हूँ, ये दिन दूर नहीं है जब ये तुम्हारे मंदिर पर, तुम्हारे भगवानों पर, तुम्हारे गुरु घरों पर हमला कर सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी घर की बहन बेटियों को घर में घुस घुस के ये लोग बलात्कार करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे। आपको समझना पड़ेगा ये किस मानसिकता के लोग हैं। और मानसिकता की बात कहूँ तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि अब तो शादियाँ कश्मीर से करेंगे। अरे, अपनी बहन बेटियाँ देना कब शुरू करोगे इस बहुजन समाज के लोगों को, भाईचारा तो जब बनेगा। और हम डरने वाले नहीं हैं। जय भीम, जय काशीराम। राहुल भाई, क्या कारण है कि जो 13 को आज पंजाब बंद है, 19 को दिल्ली बंद कर रहे हैं, 21 को ही बड़ा आंदोलन करने का मूड है, तो किससे सारी पार्टियां, सब लोग, नेता, जितने भी लोग इस आंदोलन में लगे हैं, तो एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, लड़ाई एक दिन की नहीं है जी,
आज पंजाब ने बंद किया, हरियाणा ने बंद किया, सहारनपुर में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, भारत के तमाम अलग अलग कोनों में हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, और जो 19 तारीख को है वो 19 तारीख को भी होगा। लेकिन जो 21 तारीख को जो आपका सवाल है कि सभी लोग इकट्ठा हो गए एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं, 21 तारीख को निश्चित रूप से इस देश के 85% लोगों के जो संगठन है, 85% जो लोग हैं, वो सब लोग एक मंच पर आके एक आवाज़ में, एक मंच एक आवाज का नारा देंगे और एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसीलिए हमने जो 21 और ये 21 तारीख का आंदोलन किसी का कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, किसी संगठन का नाम इसे इसलिए नहीं दिया गया है, इसका नाम भी हमने इसीलिए दिया है कि 21 तारीख का जो आंदोलन होगा वो देवली आपका मंदिर बचाओ संघर्ष समिति होगा, जिसके अंदर तमाम संगठनों के लोगों को एक किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।